गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है श्रेय खट्टर और आज आप देख रहे हैं छोटा सा व्लॉग। अभी एक्चुअली हमें पता नहीं है हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। 6 बजे निकलना था और अभी हो रहे हैं 8:45। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। इट्स 25th अक्टूबर टुडे एंड इट्स लेट, बट हाँ, और ये व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड होगा, बट स्टिल हैप्पी दिवाली टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। और आज हमारे साथ देखिए कौन है, ये हेलो हमारे जो है भाई 6:30 हमें कॉल करके कहते हैं कि हाँ हम पहुंच जाए। कहाँ पर हो तुम, निकल नहीं गए? कि 6 का टाइम था और मैं सो रहा, अभी तुम निकल तो नहीं गए। और भाई 8:30 इनको उठाया गया, इनके घर वालों का नंबर ढूंढ के कॉल किया गया। और फिर अब फाइनली भाई कहते हैं आधा घंटा और चाहिए मेरे को, ये भी नहीं 10 मिनट, आधा घंटा लिया उठने के भाई बाद इतना तो मिनिमम है भाई। ये भी ठीक है, बट तो बच चुके हैं ये हमारे हम निकल रहे फाइनली। बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स से एक्सेसरी से रोड रिलीजन भाई का बिजनेस है, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, देखिए। और ये हमारे सिंगर साहब कुशाग्र डागर, आप इनको इंस्टाग्राम पे देखिए, कुशाग्र अंडरस्कोर डागर। ये होते हैं पक्के बिजनेसमैन। और बुकिंग्स हो तो 10% कमीशन मेरा मिलेगा जो भी यहाँ से आएंगे कुछ नहीं मिलना। अरे आज की राइड सियाज कुशाग्र डागर, हाँ 2 दिन की भाई। और ये भाई भी अब हमारे को देखते देखते ब्लॉगिंग शुरू कर चुके हैं, इनको देखने तो अपने पुराने दिन याद आ गए हैं तो भाई थोड़े, दोनों भाई थोड़े अमीर हैं, एक के पास गोप्रो है, एक के पास आईफोन है, हम वन प्लस से कर रहे हैं शूट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। हाँ चश्मे गुच्ची गए, चश्मे गुच्ची नहीं भाई रेवन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी और चलते हैं जहाँ राह ले चले। गाइस अभी यहाँ पे 3800 का पेट्रोल भर चुका है, 39 लीटर। को खाना मिले ना मिले आर्यन भाई के हिसाब से पेट्रोल से जुड़ी। और एक क्रेटा वाले भैया परेशान हो चुके हैं पीछे भाई ने ले ली थोड़ी गाड़ी, भरवानी हवा भरवाई हुई है और भरवा ले क्या कल टायर बदलवाया भाई ने, MRF का टायर लगवाया है, मोटी पार्टी वो भी बड़ा बड़ा छुट्टी थी जो एक दिन कल वापस आ रात को तेरे को बताऊंगा, परसों रात को हम मिले तीनों, बहुत थोड़ी देर मिले थे, दो दो घंटा ढाई एकदम प्लान बोला, तीनों ने हाँ बोला, मैं परसों निकला। अभी हम यहाँ रुके हैं टॉल वोरा और 70 किलोमीटर भी क्रॉस कर लिया। भाई ने अभी बताया कि गाड़ी भी अभी पेंट कराई है नई नवेली, तो चमचम आ रही है फिलहाल। और हमारे व्लॉगर यहाँ पे भी हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं साथ साथ। और यहाँ पे फिलहाल भाई की गाड़ी में फास्ट टैग नहीं है, था बट विंडशील्ड नहीं लगवाई है। यस वी आर ऑन द फर्स्ट टूल एंड अभी दूर नहीं है, ऋषिकेश जा रहे हैं, ऋषिकेश से फिर आगे मसूरी जाएंगे, ये हमारा प्लान है। एंड पीछे खेत देखिए, बढ़िया खेत है, फिलहाल तो मिट्टी दिख रही है बट उस साइड पर अच्छे खेत है। ये हाईवे नया बना है और काफ़ी सेक्सी हाईवे है, काफ़ी बहुत ही सुंदर हाईवे है। कुशाग्र क्या दिक्कत आ रही है? अरे वो चेसी नंबर देख रहे हैं फास्ट टैग बनाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। हाँ भाई कितने? 1 लाख रुपये। 1 लाख मेरा भाई देगा, मोटी पार्टी है अभी भैया कहेंगे आप 500 रुपये 1000 दे दो, 1 लाख दे रहे तेरे ब्लॉग के लिए भाई, तेरा ब्लॉग महंगा बनाने के लिए 10% ही दे देना एक भैया आ गए, ब्लॉगर ही देगा पैसे। अरे पैसे आने तो शुरू हो गए, अभी पैसे आ रहे हैं भैया के, भैया से चैनल सब्सक्राइब कराते हैं है अरे हम दोनों के चैनल सब्सक्राइब हो जाएंगे, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, वहाँ भी 5-6 सबसे बढ़वाते हैं, बहुत उनके करवाते हैं, बहुत लोग हैं, भैया ही हिट करवाएंगे हमारे को। आफ्टर ड्राइविंग अबाउट 70 किलोमीटर्स अभी हम आ चुके हैं चिकली ग्रैंड और पार्क कर दी है गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। अगर आपको पता नहीं है तो चीतल ग्रैंड में, चीतल ग्रैंड इज़ फेमस फॉर ऑमलेट यहाँ के बहुत टेस्टी होते हैं, बट मी बीइंग अ वेजिटेरियन कुछ वेज में डिश ट्राई करेंगे, वेज में भी ऑप्शंस अच्छे हैं, चाइनीज खाया था वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। सो लेट्स गो इन तेरा चीतल ग्रैंड, चलते हैं और दिखाते हैं फिर कैसा रहता है खाना। सो गाइज यहाँ पे देखिए एक मेंढक है, बिल्कुल यहाँ पर एक मेंढक बैठा हुआ है, आपको ध्यान से दिखाते हैं, यहाँ पर है मेंढक,
थोड़ा छुप सा गया, अभी कुछ देर पहले तक दिख रहा था बट डर गया शायद। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्होंने कोशिश कर रखी है लोगों को अट्रैक्ट करनी है, या फिशेज हैं। एंट्री पर गया है सब, चीतल ग्रैंड की एंट्री है। तो एक बार आप अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है चीतल ग्रैंड। कुछ ऐसा दिखता है, आइसक्रीम्स वगैरह सब मिल जाता है और काफ़ी डिसेंट है। सो भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत बढ़िया भाई, ये ब्लॉगिंग बाद में पहले खाना ऑर्डर करो। पहले खाना ऑर्डर, ऊपर मूवी डायलॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं। कुछ आगरा भाई काफ़ी ऑब्जर्वेंट है। गाइस यहाँ पर हम पहले काफ़ी बार आ चुके हैं फैमिली के साथ, आज उन दो भाइयों को हम निगाह दिखाते हैं। आर्यन भाई भूखे हैं, हम दोनों ने तो खाना खा लिया कुछ, आगरा भाई और मैंने, बट आर्यन भाई थोड़ा भूखे हैं, इनका गुस्सा दिख रहा है इनके मुँह पे, गुस्से नहीं भूख दिख रही है, ऐसे से छुप आ रहे हैं गुस्सा। और ये कैमरा एंगल ऐसे ले रहे हैं कुछ आगरा भाई, सिनेमैटिक शॉट। अगर फोन मेरा नहीं होता तेरा ये बेचारे। तो चलिए खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ अगर खाने का ऑप्शन दिखाऊँ तो कुछ ऐसे सैंडविचेस वगैरह भी मिल जाते हैं, एप्रोन के सैंडविचेस वगैरह। यहाँ पे भैया चाय बना रहे हैं, मारवाड़ी चाय। और ये आउटडोर सेटिंग अभी रिसेंटली बनाई गई है, पहले नहीं होती थी, और काफ़ी अच्छी है। हाईवे का भी व्यू आता है पूरा, हमारे भाइयों ने अच्छी जगह ढूंढी है काफ़ी। ये हमारा खाना भी आ चुका है, चीज़ ऑमलेट बनेगा हम दोनों का भाई, चीज़ ऑमलेट का टाइम लैप्स बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं खाते हुए। और ये हमारा आ गया है मशरूम, चीज़ मशरूम सैंडविच एंड भाई की कोल्ड ड्रिंक। कैसी है भाई? 7 out of 8 और ये भाई खा के बताएंगे कैसा है। खाए पहले ऐसा कुछ, ये है जन्नत चीतल ग्रैंड। परोंठे के अलावा हमने आलू परोंठा किया था ऑर्डर, उसके अलावा सब कुछ बेकार सही था। कोल्ड कॉफ़ी, चीज़ ऑमलेट जो यहाँ का USP में कह रहा था वो उतना अच्छा नहीं लगा आर्यन को जिसने ऑर्डर किया। यहाँ पे बाकी दो भाई भी हमारे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आर्यन भाई कुशाग्र भाई दोनों ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और जो हमने चीज़ मशरूम सैंडविच भी किया था वो भी हैवी था। सो हाँ यहाँ पे देखिए मज़ा ले रहे हैं। आईफोन वाले भाई आए और बढ़िया कंटेंट देंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें भी, हमारे भाई को। और हम इंस्टाग्राम पे कुशाग्र_डागर और हमारे आर्यन भाई को biker_mig.9_ हमने एक सब्सक्राइबर बढ़वाया है। और भैया से पूछा कौन अच्छा लगता है, बाइकर या गाड़ियाँ? भैया ने कहा भाई, मैंने कहा ठीक है 10 भाई गाड़ी भाई दोनों। तो अभी हम कर रहे हैं थंबनेल की शूट, गाड़ी नीचे बेसमेंट में खड़ी थी और खास ऊपर लेके आया हूँ मैं अभी। और ये भाई अभी देख रहे हैं थंबनेल हमारा कैसा आया है। ये चाहिए तीनों। सो अभी बज रहे हैं 1:15 और हम थोड़े रेस्ट मोड पे हैं। आर्यन भाई जो सो के आया तो हमने काम पर दे दिया गाड़ी चलाने का। आर्यन भाई सेडान पहली बार चला रहे हैं? सेडान हम पहली बार चला रहे हैं आज। कैसी लग रही है भाई? बहुत ही बढ़िया। SUV के शौकीन है भाई, SUV और Isuzu के शौकीन है, ऑफ रोडर चलाते हैं। तो भाई आज कैसा लग रहा है हाईवे पे? इसका बहुत अलग मजा है, फुल चिपक के चल रही है गाड़ी, रोड की पकड़ छोड़ नहीं रही है। और गड्ढे गड्ढे थोड़े से Isuzu के कम्पेरिजन में थोड़े से लग रहे हैं, बट सेडान के हिसाब से बहुत प्यारे हैं, इतना फील नहीं हो रहा, कम्फर्ट बहुत ज्यादा। गड्ढे भी आ रही है, गाड़ी भी आ रही है भाई। तो भाई इसमें ऐसा मजा आ रहा था, आप सोचो सिटी में कितना मजा। सिटी से थोड़ा सा 10-20% ऊपर है। अगली ड्राइव सिटी में, अगली ड्राइव सिटी में हम तो वही लाने वाले थे। कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से नहीं आ पाए। तो अभी हम 60 किलोमीटर दूर है हरिद्वार से और ऋषिकेश के बाद मसूरी जाने का प्लान है। स्टोरीज आने शुरू कर दी है, बढ़िया फोटोज आ रही है और ऐसे जितते रहते हैं। किसके वजह लोगे गाड़ी के? अच्छा, रूट के और किसके? के बाद जब जाते हो तो बहुत ही क्लोज है हर की पौड़ी। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है हर की पौड़ी में, ये ब्रिज बना सामने की साइड, थोड़ा जूम इन करते हैं। ये ब्रिज बना है और ये राम जी के बो एरो स्टाइल में बना है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। बिल्कुल आपको देखिए चोटी वाला कह के, यहाँ चोटी वाला है और इसके ऑपोजिट आप देखें ब्रिज, बहुत ही सुंदर है। तो चलते हैं, चलते रहते हैं और व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी आईफोन आया हमारे पास तो थोड़ा और कंटेंट हो सकता है बढ़िया बने।
सो लेट्स गो एंड टेक अ स्नान गंगा डिप नाउ। तो हर की बॉडी में स्नान लेने के बाद ग्लो अलग ही आ गया जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो भाई हमारे वहाँ खड़े हैं, कुछ आग्रोवर आ रहे हैं, तो उनके साथ चलते हैं अब आगे और कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। यहाँ पे कुछ छोटा मोटा खाते हैं क्योंकि 3 बज चुके हैं, तो कुछ खा पी के फिर चलते हैं आगे। हम रुके थे रेस्ट रूम ब्रेक के लिए जंगलों के बीच, वॉशरूम एंड फोटो ब्रेक। भाई तो पूरे एटीट्यूड में शर्ट का बटन खोल के सनग्लासेस लगा के रेडी है, अपन भी रेडी होते हैं और फोटो भी खींच के फिर चलते हैं अपने आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम ऋषिकेश एंड पोर्श। पोर्श गोइंग एंड पोर्श चली गई, बुलेट चली गई, अब हम भी चलते हैं, 2-4 फोटो खिंचवाते हैं अभी फोटो सेशन करके। ये व्यू बट छोड़ने का मन नहीं है, बट अभी स्पेशल इवेंट है जिसके लिए हम जा रहे हैं ऋषिकेश में, अपने आप बन गया कोइंसिडेंट से था। तो कुछ आग्रह भाई चले हमारे आर्ट ऑफ लिविंग ऋषिकेश आश्रम, हम तीनों आर्ट ऑफ लिविंग से हैं और अब आश्रम जाते हैं, वहाँ पे इवेंट है, हो गया है, पहले ही था, हमें पता नहीं था। हम लेट हो जाएंगे, नहीं हम पहुँच जाएंगे, मैं भगा के बचा दूंगा। गाड़ी चलाएगा इतना अच्छा रूट है गाइस, मानो ये इतना चलाक बंदा है, इसने वहीं पे गाड़ी मांगा। अभी हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश आश्रम, अभी हम छोटी छोटी गलियों में आ गए हैं हाईवे से उतर के, एंड कुशाग्र भाई को रास्ता पता है, उन्होंने गूगल मैप्स का सहारा छोड़ दिया फिलहाल छोटी छोटी सड़कों से। और इवेंट था 4:30 का, अभी बज रहे हैं 4:32, थोड़ा सा लेट होंगे और देखते हैं वहाँ जाके कैसा रहता है इवेंट। जैसे कि बोला वहाँ पे इवेंट है, अभी हम 5-7 मिनट लेट हैं और लोग शायद और भी आ रहे हैं, तो चलते हैं अंदर और करते हैं वो इवेंट है अटेंड। सो लेट्स गो इनसाइड गाइस। सो अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हो या सजेशंस हो जिससे कि मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर। दैट्स योर होस्ट श्री खट्टर टेकिंग ऑफ, बाय बाय। ये कट कर देंगे और भी लेंगे, बाकी तेरे भी थोड़े से मजा लेंगे, ये भी कट कर देंगे। तो चलते हैं अपने आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम ऋषिकेश। सो गाइस अभी हम पहुंचने वाले आर्ट ऑफ लिविंग ऋषिकेश आश्रम और यहाँ पे लोग बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। हाँ सब्सक्राइब करो, अच्छा ये काट देंगे यहाँ के थोड़े हरामी बच्चे। तो यहाँ पे आ रहे हैं भाई हमारे साथ शूट कर रहे हैं, चीयर्स। तो जस्ट हम पहुंचने वाले आर्ट ऑफ लिविंग ऋषिकेश आश्रम।